देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के सैयद मोदी स्टेडियम में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान, स्कूली छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रविवार को ठीक 9 बजे पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद रेलवे महिला कल्याण संगठन के अधिकारियों और महाप्रबंधक ने गुब्बारा उड़ाकर खुशी का इजहार किया। तत्पश्चात महाप्रबंधक रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी ने परेड का निरीक्षण किया और रेलवे में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और नगद रुपए देकर पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में महाप्रबंधक रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे अपने संसाधनों में काफी बढ़ोतरी कर रही है। कोविड काल में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बहुआयामी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा रेलवे अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए तत्पर है और सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, रैपिड परिधानों में परेड में शामिल सभी जोड़ियां परेड कमांडर को देने के लिए परेड को सावधान कराए और तेज चाल में आगे बढ़ते हुए परेड डिवाइसी श्री राहुल भुवनेश्वर, परेड की कमान परेड कमांडर श्री संजय कुमार के मेरा जय हिंद, सुबह का नमस्कार। इसके लिए हरियाणा पावन अवसर पर हम सबको यह शपथ। डोरी नंबर 4 रेलवे सुरक्षा बल की प्लाटून कमांडर परिषद ने भव्य झंडा कार्यक्रम की छात्राओं की है और यूएसी के अनआर्म कॉम्बैट हमारे परेड प्रधानाचार्य हैं और जो मुख्य विशेष बल समय आने
हुए निरीक्षण वाहन जिसके चालक है सहायक उप निरीक्षक श्री प्रेम कुमार राय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का खूबसूरत निरीक्षण वाहन फूलों से सुसज्जित दर्शक दीर्घा के सामने से आगे बढ़ता हुआ। हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय है ये 1983 बैच के IRES सेवा के अधिकारी है। भारतीय रेलवे में आप उत्तर रेलवे यहाँ काल यहाँ समाप्त शुरू होने से पहले वर्तमान नियुक्ति से पहले पूर्व एडिशनल मेंबर डायरेक्टर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली में कार्यरत रहे हैं। साथ में हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव जो IIT इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है और 1989 और ये रेलवे सुरक्षा बल की जो भी ऑफिसर श्री लखन सिंह मीणा के नेतृत्व में और चौथी टोली रेलवे सुरक्षा बल की है गीत सुनाता है, नमन करो इस झंडे को, तो बलिदानों की कथा सुनाता है, त्याग बलिदान शांति और सतत विकास का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय झंडा आसमान में फहराता हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण के बाद मंच के सामने पहुंचता हुआ और महोदय एक बार प्रेम कर्मियों देवियों सज्जनों एवं प्यारे बच्चों 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेल कर्मियों उनके परिवार के सदस्यों सम्मानित रेल उपयोगकर्ताओं प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा आम जन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं देश की स्वतंत्रता हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देशभक्तों का नमन करता हूँ। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सीमा पर तैनात सेना एवं सुरक्षा बल के जवानों के पराक्रम एवं कर्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूँ जो विषम परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा व्यक्त करने हेतु भारतीय रेल के 75 व्यस्ततम स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर छपरा बनारस बलिया विजयनगर सिवान एवं वाराणसी सिटी स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे अपने तीनों मंडलों विजयनगर वाराणसी एवं लखनऊ पर अवस्थित 505 स्टेशनों के माध्यम से रेल यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित आरामदायक एवं तीव्रगामी यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यात्री सुख सुविधा में विस्तार के साथ हम अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार एवं आधुनिकीकरण की ओर निरंतर अग्रसर हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के महत्वपूर्ण विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। गाजीपुर सिटी और बिहार 40 किलोमीटर द्वैतकरण एवं विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर यात्री यातायात हेतु खोल दिया गया है। बलिया गाजीपुर सिटी दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत बलिया से देखना खंड का कार्य पूरा कर यात्री यातायात हेतु खोल दिया गया है। कछवा रोड ज्ञानपुर के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। शाहजहांपुर की 980 किलोमीटर OFC एवं 20 किलोमीटर क्वार्ट केबिल बिछाई गई है। वर्ष 2021 में कछवा रोड ज्ञानपुर रोड एवं गाजीपुर सिटी और यहाँ बलिया फेसना डोरी के खंडों भट्टी और यहाँ चुनादा मसरत सलेमपुर बरहल बाजार फेसना इंडारा गोंडा सुभागपुर सीतापुर लखीमपुर गोरखपुर आनंदनगर बरेली सिटी कारगर बरेली सिटी पीलीभीत कनकपुर मंडना भगवत एवं महू आजमगढ़ रेल खंडों का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। इस वित्त वर्ष में मान
जुलाई तक आरंभिक यात्री यातायात से 421.44 करोड़ रुपए की आय हुई। वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई 2021 तक माल यातायात से 157.55 करोड़ रुपए की आय हुई, जो गत वर्ष की तुलना में 103.74% अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में जुलाई 2021 तक कुल 3 लाख बिना टिकट अनियमित बिना बुक सामान के मामले पकड़े गए, जिनसे रेल राजस्व के रूप में 21.16 करोड़ रुपए की वसूली की गई। यात्रियों से टिकट जांच राजस्व प्राप्त करने के लिए इस रेलवे के सभी PPE को POS मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री डेबिट या क्रेडिट कार्ड, UPI तथा योनो ऐप के द्वारा रेल राजस्व का भुगतान कर सकते हैं। वर्ष 2020-21 में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा COVID-19 के दुष्प्रभाव के बावजूद भी स्क्रैप बिक्री में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 150 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 229.1 करोड़ रुपए की स्क्रैप बिक्री कर सर्वकालिक नया आयाम स्थापित किया गया। स्क्रैप निस्तारण हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्किंग पद्धति में पूर्वोत्तर रेलवे ने 60% अंक प्राप्त कर सभी क्षेत्रीय रेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2021-22 हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 160 करोड़ रुपए के स्क्रैप बिक्री के लक्ष्य के सापेक्ष इस वर्ष के आरंभ में COVID-19 के वृद्धि लहर के दुष्प्रभाव के बावजूद पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में 54% अधिक स्क्रैप बिक्री कर अब तक 15.91 करोड़ रुपए के रेल राजस्व की प्राप्ति की है। पूर्वोत्तर रेलवे पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोई परिणामी दुर्घटना नहीं हुई है। गाजीपुर सिटी, अंकुशपुर, नंदगंज, बलिया एवं कृष्णा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाइन एवं सागर पानी में IGS कमीशन किया गया है। स्वतंत्रता के संदेश को आज तिरंगा कलर के गुब्बारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय तालियां बजाइए। काफी सुंदर दृश्य और ये देखिए काफी सुंदर नजारा। इस गुब्बारे को भी हमारे तिरंगे झंडे से कितना प्रेम है कि उसको लिपट गया। काफी सुंदर फोटो कैद करें, काफी सुंदर दृश्य और ये आसमान में फहरते गुब्बारे किया जाना है। कृपया मैं नाम पढ़ रहा हूँ, क्रमवार आ जाए। श्री मलखान सिंह, स्टेशन मास्टर पीपल सर, आप और श्री मलखान सिंह आप सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय तालियां बजाओ। तालियों में कोई कमी नहीं होनी। स्पेशल गाड़ी चलाने के दौरान 25 जुलाई 2021 को अचानक एक पेड़ टैंक पर गिरा हुआ एक मेंटेनर 20 जनवरी 2021 को इज्जत नगर मंडल में है। चौथा नाम है श्री दीपक सिंह, गेटमैन रुद्रपुर, सॉरी पांचवा नाम श्री बसुरा प्रसाद, ट्रैक मेंटेनर मनिका। लाल झंडी दिखाकर आपने मैदानी लखनऊ स्पेशल गाड़ी पर सर्टिफिकेट कार्रवाई किया। ग्यारहवा नाम श्री अनिल कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल रेलवे, श्री राजीव रंजन कुमार कांटावाला। एक सलामी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को दिया और परेड के विसर्जन की अनुमति लेने के लिए परेड कमांडर श्री संजय कुमार मिश्र, जो प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य व्यायाम प्रशिक्षक है, तेज चाल से मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड का विसर्जन की अनुमति प्राप्त कर लेने की आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सबको अपने देश को और आगे बढ़ाना चाहिए और आगे ले जाने का प्रण लेना चाहिए।
और आगे अपने देश को आगे से आगे जितना ले जा सकते हैं ले जाना चाहिए। पूरा रेल परिवार आप लोगों ने देखा कोविड के दौरान इतनी दिक्कतों के दौरान भी रेल चलती रही, देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए रेल ने अपना पूरा योगदान दिया, हमारे सारे स्टाफ ने पूरी मेहनत की, बिना डरे हुए काम किया, वो हम हमेशा करते रहेंगे। रेल हमेशा से इस देश को संभाले रखती है, इस देश को आगे बढ़ाए रखती है, हम वो काम हमेशा करते रहेंगे।